भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छठा दिन राहुल ने बोट से ब्रह्मपुत्र में यात्रा की। दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली पहुंचेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छठा दिन है। यात्रा आज असम में ही आगे बढ़ेगी। राहुल ने आज 19 जनवरी ब्रह्मपुत्र नदी में सफर किया। वे दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली पहुंचेंगे। गुरुवार 18 जनवरी को यात्रा नागालैंड से असम पहुंची। यहां शिव सागर जिले में राहुल ने आम सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा, भाजपा और आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य हर धर्म, हर जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ इस अन्याय के खिलाफ लड़ना भी है। राहुल ने असम में भाजपा की हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, असम में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। भाजपा देश में नफरत फैलाने के साथ जनता का पैसा लूट रही है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम का मुद्दा उठाएंगे। राहुल ने कहा, मणिपुर में सिविल वॉर का माहौल बना हुआ है। पीएम मोदी आज तक वहां नहीं गए। नागालैंड में पीएम ने बड़े वादे किए थे। वहां के लोग पूछ रहे हैं कि पीएम के वादों का क्या हुआ। ऐसी ही चीजें असम में भी हो रही हैं। उधर असम के जोराहाट में यात्रा का रास्ता बदलने पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इसके मुख्य आयोजक केबीसी बाइजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल 25 जनवरी तक असम में रहेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि असम में न्याय यात्रा 25 जनवरी तक होगी। असम सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहां सफल ना हो। हालांकि हमें विश्वास है कि युवाओं और महिलाओं सहित असम के सभी वर्ग राहुल गांधी की बात सुनेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चौथे दिन बुधवार 17 जनवरी को राहुल नागालैंड में थे। उन्होंने सुबह 9 बजे नागालैंड के वीके टाउन झुनाबोटो से यात्रा शुरुआत की थी। मोकोचुंग में उन्होंने सभा ली। इसके बाद यात्रा चुचुयिमेंग गांव और रांगकोंग पहुंची। इसके बाद यात्रा तुली पहुंची। यहां रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह यात्रा असम रवाना हुई। राहुल बोले, पीएम मोदी मणिपुर के आंसू पोंछने नहीं आए। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए पैदल के साथ साथ बस यात्रा का फैसला किया। सवाल उठा कि यात्रा कहां से शुरू करें। किसी ने कहा वेस्ट से करो, किसी ने कहा ईस्ट से करो। राहुल बोले कि मैंने साफ कहा, अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से शुरू हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।